हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। जी हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है। काफ़ी अच्छे वैकेंसी है क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री ली हुई है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें क्योंकि एंड में मैं लिंक शेयर करती हूँ, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो लिंक की सहायता से इजीली उस एडवर्टीजमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर ये आपके लिए यूजफुल है। मैं आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट तक लेकर चलती हूँ और नोटिफिकेशन भी हम रीड आउट करेंगे। ब्रीफ में जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा हैं और क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियोज़ को क्योंकि मैं कुछ ना कुछ यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके लिए टाइम टू टाइम। इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली, गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली, MIDC रोड कॉम्प्लेक्स गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। पर जैसा मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर परमानेंट पोस्ट है और यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि परमानेंट पोस्ट काफ़ी कम निकलते हैं एडवर्टीजमेंट, और एलिजिबिलिटी अगर आपकी मैच करती हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए, इसकी एडवर्टीजमेंट की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जो डेट है वो है 20 मार्च 2020, 20 मार्च 2020। या एम्प्लॉयमेंट नोटिस का जो नंबर है, रेफरेंस नंबर, इसे ज़रूर नोट डाउन कर ले, GUG 33/2020। इससे आप इजीली एडवर्टीजमेंट को लोकेट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पर होते हैं जिनमें आपको अपनी एडवर्टीजमेंट ढूंढनी हो तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर से, रेफरेंस नंबर से आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट देखते हैं प्रोफेसर पोस्ट के लिए। शुरुआत हम असिस्टेंट प्रोफेसर से करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश में है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, केमिस्ट्री फिजिक्स में 4 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस में भी 4 है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी 4 है, मराठी में भी 4 है, MBA में भी 5 है, और मास कम्युनिकेशन में भी 4 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही है मुझे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में 2 वैकेंसीज हैं, बाकी में 1 ही। प्रोफेसर के लिए इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जैसा आपको पता है यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, और इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है PG+ NET या सेट या स्लेट। आपने अगर महाराष्ट्र से सेट सिलेक्ट की है या नेट आपने क्वालिफाई की हुई है अलॉन्ग विद PG, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PhD की हुई है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं नेट या सेट से। तो चलिए मैं आपको बता दूँ इसकी लास्ट डेट क्या है एट्सेट्रा। यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा मेंशन किए हुए हैं सेपरेटली। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, ये अलग अलग सबकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन दी हुई है। आप जिन सब्जेक्ट में और जिस पोस्ट पर इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ पर इसे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, महाराष्ट्र से, इसका मतलब ये नहीं कि मराठी आनी ही चाहिए। अगर मराठी आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है तो भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी लास्ट डेट आपको दिखा दूँ जिससे आप इजीली ड्यूली फिल्ड इन प्रोफॉर्मा ए सप्लाइड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म शुड ऑल्सो बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। मैं आपको फिर से वेबसाइट की तरफ लेकर चलूंगी और बताऊंगी कहाँ एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। साथ में इसकी लास्ट डेट नोट डाउन कर लें और कैसे अप्लाई करें। और एप्लीकेशन ऑफलाइन होनी है, कम्प्लीटली ऑफलाइन होनी है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होनी है। यहाँ पे आप पढ़ें पॉइंट नंबर 40 में, द कम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड इन ए क्लोथ लाइंड एनवेलप राइटिंग एट द सेंटर ऑफ द एनवेलप इन द नेम ऑफ द पोस्ट एंड इट्स कैटेगरी 2। तो ये एड्रेस दी हुई है और क्लोथ लाइंड एनवेलप ही यूज़ करनी है। यहाँ पर आपको अपनी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, एप्लीकेशन है, वो 20 अप्रैल 2020 तक लेटेस्ट भेज देनी है। एंड एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट एंड रिजर्व्ड कैटेगरी। चले आगे देख लें कि और कुछ खास बात। एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट शुड रीच द आंसर साइंड अंडर साइंड ऑन और बिफोर 20 अप्रैल 2020 अप टू 5 PM।
तो ये 20 अप्रैल तक लेटेस्ट आपकी आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ऑफलाइन ही आपको एप्लीकेशन करनी है। इसके साथ में मैं बता दूं कि पी एक्सेट्रा क्या है। पी अगर मेंशन्ड हो, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स विद डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, पीबैस प्रोफॉर्मा फॉर कैलकुलेटिंग एपीआई स्कोर एंड अदर कंडीशंस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में लिंक आपके साथ फिर से शेयर भी करने वाली हूँ। A4 साइज यूज करनी है आपको, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स भी आपको अटैच करने हैं। इसके साथ में आपको कुछ और जानकारी भी दे, एक क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1000 फॉर ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के लिए डिमांड ड्राफ्ट बननी है ₹1000 की, एंड ₹700 की एससी एसटी वीजे एनटी बीसीडी एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए। अदर कैटेगरीज के लिए ₹700 आपके डिमांड ड्राफ्ट बननी है इतने अमाउंट की, और ₹1000 ओपन कैटेगरी के लिए। चलिए मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँ, और फिर हम वेबसाइट की तरफ चलेंगे जिससे पता चले कि एप्लीकेशन कहाँ मिले। लिंक फॉर एडवर्टीजमेंट, ये लिंक आप प्लीज़ नोट डाउन करें। ये लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे उस पेज पर पहुंचते हैं जहां आपको रिक्रूटमेंट मिलनी है। मैं वापस आपको एक बार बता दूंगी, ये लिंक प्लीज़ नोट डाउन करें। चलिए वेबसाइट की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। जैसे ही आप वो क्लिक करते हैं ये पेज ओपन होती है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2020 पर आप क्लिक करते हैं तो आप एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे, एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी डिटेल जिसे मैंने अभी रीड आउट किया। साथ ही साथ आपको फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करें, और एक प्रोफॉर्मा भी सबमिट करनी है, पीबैस प्रोफॉर्मा, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसे भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपके लिए इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ लेके मैं पुनः आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।